सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि अंडर 10 to 12,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप भी अगर 10 से 12,000 का एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो फ्लैगशिप दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों, हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर में मैंने टॉप 5 स्मार्टफोन लिया हूँ दोस्तों, जो की मार्केट में आपको काफी सारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो अच्छा अच्छा था दोस्तों, वही मैं टॉप 5 लिया हूँ। काफी रिसर्च, रिव्यू और एनालाइज के बाद ये टॉप 5 स्मार्टफोन लिया हूं। तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप भी अगर 10 से 12,000 के अंडर का एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले बता दूं कि आप भी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। बाकी चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टॉप 5 नंबर की स्मार्टफोन की। टॉप 5 पे जो स्मार्टफोन रखा हूँ ये उसके लिए बेस्ट है, जिसको अंडर 10,000 का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें अच्छा रैम, अच्छा बैटरी और अच्छा डिस्प्ले मिले दोस्तों। नॉर्मल गेमिंग के लिए प्रोसेसर चाहिए दोस्तों। तो ये फोन है दोस्तों टॉप 5 पे इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 12। चलिए दोस्तों, इस स्मार्टफोन का भी सबसे पहले हम बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मेन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। 7.9 mm थिकनेस है इस स्मार्टफोन का, तो काफ़ी पतला फोन है। बाकी 184 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है, तो हल्का भारी है। बाकी डेडिकेटेड सिम मिल जाएगा, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी इस स्मार्टफोन का काफ़ी तगड़ा लेवल का है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। टॉप द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, बेस्ट ऑन XOX 10। बाकी 2 ईयर्स तक का मेजर एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इस स्मार्टफोन का भी अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का। तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 60Hz नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ आता है दोस्तों। बाकी 180 का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा, वाइड 175 है और HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाओगे इस डिस्प्ले पे। बाकी 1000 nits का इसमें आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले आपको टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सुपर एमुलेट का डिस्प्ले है और 6.7 इंच का पैनल है, तो बड़ा भी पैनल है दोस्तों, जिसपे आप कंटेंट प्ले वगैरह अच्छी तरीके से कर पाओगे या और भी काफी कुछ कर सकते हो दोस्तों, डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है। बाकी 60Hz का रिफ्रेश रेट है दोस्तों। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है तो ठीक ठाक ही रिफ्रेश रेट है, ऐसे 90 रहता तो काफी बेस्ट रहता, बट अच्छा है। बाकी चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की अगली फीचर्स की। तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। 1 से 1.5 घंटा में ये स्मार्टफोन इजीली फुल चार्ज हो जाएगा, अप टू 1 डे बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा का। इसमें आपको 3x रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, जिसमें सैमसंग का GN1 का सेंसर लगा हुआ है। 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और AI लेंस देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 3 कैमरा देखने को मिलेगा और बैक कैमरा से आप 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पे। बाकी सेल्फी में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उस सेल्फी कैमरा से भी आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पे। बाकी एक जो बात है दोस्तों, इसका सेल्फी कैमरा यूनोच के साथ आता है, तो यूनोच ऐसे ठीक ठाक ही होता है दोस्तों, बट पंच होल रहता तो काफ़ी बेस्ट रहता, बट यूनोच भी अच्छा है। बाकी अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन का हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है MediaTek Helio G88 का, जो कि नया प्रोसेसर है, जो कि 12 nm पर बना हुआ है। 2,30,000 इस फोन का M.2 स्कोर है, तो ये स्कोर ठीक ठाक है इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी EMCP का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा, LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाएगा, अप टू 3GB वर्चुअल रैम इसमें आप बढ़ा पाओगे। कि चलिए दोस्तों, लास्टली इस स्मार्टफोन का भी हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट है दोस्तों 4+64, वो आपको 9999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा दोस्तों 10,000 में, और 6+120 का रैम स्टोरेज वाला आपको 11,500 में मिल जाएगा। इसका आप दोनों वेरिएंट में से कोई सा भी वेरिएंट परचेज कर सकते हो, दोनों वैल्यू फॉर मनी है, तो आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टॉप 4 नंबर की स्मार्टफोन की। तो टॉप 4 पे जो स्मार्टफोन रखा हूँ दोस्तों, ये है पोको की तरफ से, पोको M5 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस स्मार्टफोन का भी सबसे पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मेन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा।
8.9 mm थिकनेस है इस स्मार्टफोन का, तो हल्का मोटा है, और 208 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है, तो हल्का भारी भी है। अच्छी बात यह है कि IP52 रेटेड है, तो हल्का फल्का पानी में जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बाकी डेडिकेटेड सिम मिल जाएगा, तो इसमें आप 2 सिम, 1 SD कार्ड, 1 टेम्पिल लगा पाओगे दोस्तों। बाकी सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा, बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, बेस्ट ऑन MIUI 13। बाकी 2 ईयर्स का मेजर एंड्रॉयड अपडेट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक फीचर्स वगैरह तो काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों। बाकी एक चीज़ है जो हल्का भारी फ़ोन है, हल्का ही भारी, 208 ग्राम है, ज़्यादा भारी नहीं है। बाकी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन का भी मेन फीचर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का। इसमें आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS का पैनल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा, वाइड वन सपोर्ट है दोस्तों, और 500 nits का इसमें आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। बाकी इस डिस्प्ले पे भी आप HDR कंटेंट वगैरह प्ले नहीं कर पाओगे, HDR सपोर्ट नहीं करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का भी डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज का देखने को मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले भी इसमें आपको ठीक ठाक है दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा डिस्प्ले है। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का हम बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, और उसे चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1 से 2 घंटा में ये स्मार्टफोन इजीली फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर चार्ज हो गया दोस्तों, तो नॉर्मल यूजेस में अप टू 1 डे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का कैमरा की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन 3 रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें से 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके रियर साइड के प्राइमरी कैमरा से आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पे, और 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा दोस्तों, जो कि विनोज के साथ आता है, और सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको MediaTek का हेलियो G99 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक गेमिंग चिपसेट तो नहीं बोल सकते, बट इसमें आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे दोस्तों, थोड़ा बहुत हाई लेवल का भी कर सकते हो। बाकी 6 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बना हुआ है, तो बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा। 3,60,000 इस फोन का AMTUTU स्कोर है, तो ये स्कोर अच्छा है। बाकी UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाएगा, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, अप टू 4GB इस स्मार्टफोन में भी वर्चुअल रैम आप बढ़ा पाओगे। तो चलिए दोस्तों लास्टली इस स्मार्टफोन का भी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका भी जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, बेस वेरिएंट 4+64 वो आपको 11,000 में मिल जाएगा, और 6+128 वो आपको 12,999 में मिल जाएगा। मैं तो ऐसे ही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट ही आप परचेज करो। जब आपका बजट रेंज अंडर 12,000 है, तो इसका बेस वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। बाकी चलिए दोस्तों अगले स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं टॉप 3 की। तो टॉप 3 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये है रियलमी की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन दोस्तों, रियलमी नार्जो 54G दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन का भी सबसे पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मीन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम दोनों देखने को मिल जाएगा। 8.5 mm का थिकनेस मिल जाएगा दोस्तों, तो काफ़ी पतला फ़ोन है। बाकी 194 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है, तो हल्का भारी स्मार्टफोन है दोस्तों। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और 3.5 mm का जैक भी अवेलेबल है दोस्तों। तो ओवरऑल इसमें आपको बेसिक फीचर्स वगैरह अच्छा मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं मेन फीचर्स का। तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश मिल जाएगा, और 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 120 का हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन का स्मूथनेस अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी फुल HD प्लस IPS LCD का डिस्प्ले है, तो ये इस बजट के अकॉर्डिंग ये अच्छा डिस्प्ले है दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो 50 to 60 मिनट में ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा, और नॉर्मल यूजेस में अप टू 1 डे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन की कैमरा की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन 3 रियर कैमरा के साथ आता है, इसमें से 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2 MP का मैक्रो फोटो, 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। बैक कैमरा से आप रियर साइड के प्राइमरी कैमरा से 1080p में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे फुल HD में दोस्तों। बाकी 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा।
कैमरा इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें लगा हुआ मीडियाटेक हेलियो G96 का चिपसेट दोस्तों, जो कि नॉर्मल टू थोड़ा बहुत हाई लेवल का भी गेम वगैरह प्ले करने में आपको सपोर्ट करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन रियलमी UI 2.0। तो परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपको भी एक नॉर्मल टाइप का अगर अच्छा स्मार्टफोन चाहिए अंडर 12,000 में तो रियलमी नार्जो 54G आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए फाइनली इस स्मार्टफोन की हम पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों 4+64 वो आपको 10,999 की बजट रेंज में मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को भी परचेज कर सकते हो, बट आपको ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहिए तो वो भी है दोस्तों। बाकी चलिए बात कर लेते हैं टॉप 2 नंबर की स्मार्टफोन की। टॉप 2 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, तो जिसको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए वो इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेज कर सकता है डेली यूजेस के लिए। तो चलिए दोस्तों इस ये स्मार्टफोन ऐसे है दोस्तों टॉप 3 पे सैमसंग गैलेक्सी F13। तो चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन का भी हम बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 9.3 mm का थिकनेस मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। हल्का मोटा है, बाकी 207 ग्राम वेट है, तो हल्का भारी भी है दोस्तों। हल्का मोटा और भारी इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, एक बड़ी बैटरी, इसलिए थोड़ा भारी और थोड़ा मोटा है दोस्तों। बाकी अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको डेडिकेटेड सिम मिल जाएगा दोस्तों, तो 2 सिम 1 SD कार्ड आप लगा पाओगे। सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बाकी ड्यूल स्टूडियोस रहता तो काफी बेस्ट रहता, बाकी सिंगल भी है तो ठीक ठाक है। स्पीकर क्वालिटी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बायोमेट्रिक के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 2 ईयर्स का इसमें आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा और 3 ईयर्स तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का फोन है तो इसका सिक्योरिटी का काफी ज्यादा हैवी रहता है दोस्तों, बाकी ऑटो गोल रिकॉर्ड भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका बेसिक फीचर्स, जो कि ठीक ठाक है। बाकी चलिए अब मेन फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का। तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+PLS का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो की LCD टाइप का ही डिस्प्ले होता है। बाकी 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश मिल जाएगा और 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वाइड 1 सर्टिफाइड है और 500 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा दोस्तों, जिससे आउटडोर वगैरह में अगर स्मार्टफोन यूज करोगे तो ब्राइटनेस का दिक्कत नहीं होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा इसका डिस्प्ले पे। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्प्ले है वो डिसेंट टाइप का है दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन की हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाएगा और उसे चार्ज करने के लिए 15W का फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो 2-2.5 घंटा में ये स्मार्टफोन ईजिली फुल चार्ज हो जाएगा और एक बार अगर आप चार्ज कर लोगे तो नॉर्मल यूजेस में अप टू 2 डे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का कैमरा की बात कर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें से 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें सैमसंग का ही सेंसर लगा हुआ दोस्तों GN1 का, और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और 2 MP का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 3 कैमरा मिलेगा दोस्तों और बैक कैमरा का जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों उससे आप फुल HD में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी अगर सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और फोटो वगैरह भी अच्छे तरीके से ले पाओगे दोस्तों। तो ओवरऑल इसका कैमरा में आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, कैमरा इसका अच्छा क्वालिटी का है। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको सैमसंग का ही परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि एक्यूनोस 850 का प्रोसेसर है दोस्तों और ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पे बना हुआ है। 1,40,000 इस स्मार्टफोन का M.2 स्कोर है, तो ये स्कोर अच्छा है और EMMC 5.1 का स्टोरेज मिल जाएगा, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा और अप टू 4GB वर्चुअल रैम इस स्मार्टफोन में भी आप बढ़ा पाओगे। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन अच्छा है दोस्तों, जिसको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए डेली यूजेस वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन का भी लास्टली प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका बेस वेरिएंट जो है दोस्तों 4+64 वो आपको 11,999 में मिल जाएगा और 4+128 वो आपको 14,500 में मिल जाएगा। तो आप भी अगर डेली यूजेस के लिए नॉन चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो अच्छा, तो इसका बेस वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों लास्टली बात कर लेते हैं टॉप 1 की स्मार्टफोन की। तो टॉप 1 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन इसको बोल सकते हो दोस्तों, जिसमें सारा कुछ अच्छा मिलेगा, कैमरा भी अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, ओवरऑल सारा कुछ
अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो टॉप वन पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों ये है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 4G दोस्तों। चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन का भी सबसे पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। मीन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। 8mm का थिकनेस है इस स्मार्टफोन में, तो काफी पतला स्मार्टफोन है। बाकी 179 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है, तो काफी हल्का है दोस्तों। तो आपको हाथ में काफी पतला लगेगा फोन और काफी अच्छा स्मूथ फील होगा दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर आप हाथ में लोगे तो। बाकी बायोमेट्रिक के लिए साइड मोड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डेडिकेटेड सिम मिल जाएगा दोस्तों, तो दो सिम एक मेमोरी कार्ड एक टाइम पे आप लगा पाओगे। बाकी 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, बेस्ट ऑन MIUI 13। तो इसका बेसिक फीचर्स वगैरह डिसेंट टाइप का है दोस्तों। बाकी चलिए अब इस स्मार्टफोन का मेन मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड का, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा इसके डिस्प्ले पे। 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले आपको डिसेंट टाइप का मिल जाता है दोस्तों, और उसके साथ साथ 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आउटडोर वगैरह में धूप वगैरह में भी स्मार्टफोन यूज करोगे तो ब्राइटनेस का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो डिस्प्ले इस प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच लेवल का बोल सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का हम बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 1 घंटा के में ये स्मार्टफोन इजिली फुल चार्ज हो जाएगा, और नॉर्मल यूजेस में up to 1 day बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन का हम कैमरा की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें से 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा। तो बैक कैमरा का जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों, उससे आप फुल HD में 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, और सेल्फी में पंच होल 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कैमरा इसमें आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर इसका हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का एक गेमिंग प्रोसेसर, जो कि 6nm पे बना हुआ है। 2,75,000 इस फोन का M22 स्कोर है, तो ये स्कोर अच्छा है दोस्तों, और 6nm पे बना हुआ है दोस्तों, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका भी हम प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो बेस वेरिएंट है दोस्तों 4+64, वो आपको 11,999 में मिल जाएगा। तो 12,000 का आपको अगर एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन को डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। बाकी कोई सा भी परचेज कर सकते हो, सारा फोन अच्छा है, ये भी अच्छा है दोस्तों। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी दोस्तों। बाकी आपका अगर कोई डाउट है या सजेशन है दोस्तों, तो वो आप हमें नीचे कमेंट में दे सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।